This is based on Kathak fusion, and the songs are Jag Ghumia and the Spanish famous worldwide song Taki Taki. So just welcome this genius boy or the artist. Just give him an ovation, everyone. Performance it was. Indeed, I think you all are agreed with me, isn't it? And I just remembered one line, or it's a famous ad commercial when I was a kid. And after seeing his performance, I just remember that thing that I'm a Complan boy. Yeah, he really full of it. But actually, it's a puppet performance, a Gandhi puppet. But before that, I just want to tell something about it. मैं मंच पर राजू भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहूँगी. साथ ही मैं आप सबों से निवेदन करूँगी कि प्रोग्राम जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, बीच में हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए आप ज़ोरदार तालियों के साथ हमेशा उनका स्वागत करें. राजू भट्ट जी कला मंडली से संबद्ध हैं और आप पपेट शो में माहिर हैं. अब तक आपने 1500 जी हाँ 1500 पपेट शो से भी ज़्यादा कर चुके हैं. आप पपेट शो को परफॉर्म करने के साथ साथ पपेट मेकिंग और मैनिपुलेशन में भी माहिर हैं. आज की प्रस्तुति गांधी पपेट शो है. सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम ऑन द स्टेज एज ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड ओवर हियर. और हाँ जी हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस दैट दिस कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड और जस्ट क्रिएटेड बाई respectable Pratibha Singh ji. So I just want to give her a big round of applause as well, along with Raju Bhatt ji. Thank you. Pati Raghav Raja Ram, Patit Pavan Sita Ram. राम पतित पावन सीताराम. ये बापू की राम धुन थी. बापू इसे अक्सर गाया करते थे. बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था. बापू अहिंसा के पुजारी थे. उनका मानना था कि अहिंसा से हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं. बापू हमेशा कहा करते थे कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं. ये सब बातें तो मैंने सीख ली और याद भी कर ली, पर इन सब से मैं स्कूल में बापू का रोल कैसे कर पाऊंगा? कल 2 अक्टूबर है, कल बापू का जन्मदिन है. मुझे ऐसा रोल करना है कि सब कहें कि कबीर ने बापू का रोल सबसे अच्छा किया. मगर कैसे कैसे? हाँ, यहां लिखा है कि बापू खादी के कपड़े बहुत पसंद करते थे और चरखे में सूत काता करते थे. रात बहुत हो गई, जल्दी नहीं सोया तो सुबह स्कूल जाने के लिए उठ नहीं पाऊंगा, फिर मम्मा डांटेगी. चलो बापू, गुड नाइट. बाकी कल सुबह स्कूल बस में जाते समय पढ़ लूंगा. सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ये बापू की राम धुन इतनी रात को कौन गा रहा है? बेटा कबीर. आप कौन? आप तो बापू. आप बापू हो ना? आपका तो स्वर्गवास हो गया जी. बेटा कबीर, आत्मा कभी नहीं मरती, बस शरीर मरता है. हमारे विचार, हमारे नेक काम कभी नहीं मरती बेटा. वो हर युग में और लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं. तुम कल स्कूल में कुछ करने वाले हो जी बापू.
कल आपका हैप्पी बर्थडे है ना, तो मैं भी स्कूल में बापू बनूंगा। हाँ। पर मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? अगर तुम्हें लगता है कि मेरे विचार सही हैं, तो तुम उन्हें अपनाकर मेरे जैसे बन सकते हो बेटा कबीर। मतलब बापू, जो भी आपके विचारों को अपनाता है, उनका पालन करता है, वो आपकी तरह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने कहा था कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए? तुम करते हो? हाँ, करता तो हूँ। पर बापू, एक बार मैंने वो कॉलोनी के एक डॉगी को पत्थर मारा था, वो मुझ पर भौंक रहा था। ये गलत बात है बेटा कबीर। हम और आप बोल सकते हैं, लेकिन वो डॉगी सिर्फ भौंक सकता है। वो अपनी बात एक दूसरे को भौंक कर ही बता सकते हैं। पर बापू, मुझे तो लगा कि वो मुझे काट लेगा। माफ करना बापू, मैं आज के बाद कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सभी जीवों पर दया करूंगा। ये हुई ना बात। अगर तुम जीवों पर दया करोगे, तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे अंदर मैं हूँ। ओह, अच्छा बापू, आपने कहा था अहिंसा परमो धर्म। हाँ, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, अहिंसा का अर्थ है किसी पर हिंसा ना करना, यानी किसी को चोट ना पहुंचाना। हर समस्या का समाधान प्रेम से निकाला जा सकता है, इसलिए हमें हमेशा प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। क्या तुम अहिंसा का पालन करते हो बेटा? करता तो हूँ, पर कभी कभी मेरी स्कूल में वरुण से लड़ाई हो जाती है। वो हमेशा मेरी डेस्क पर बैठ जाता है बापू। वो तुम्हारे डेस्क पर बैठ जाता है तो तुम कहीं और बैठ जाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे खुद अपने डेस्क पर बैठने को कहो, तो एक दिन वो खुद महसूस करेगा कि उसे तुम्हारे नहीं अपने डेस्क पर बैठना चाहिए। क्या सच में? हाँ, ऐसा हो जाएगा बापू? बिल्कुल बेटा कबीर। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर उसे इस बात का एहसास जरूर होगा। तो बताओ बेटा कबीर, तुम करोगे अहिंसा का पालन? बिल्कुल करूंगा बापू। तो बेटा कबीर, तुम कल पहनोगे क्या? मुझे पता है बापू, आपको खादी के कपड़े बहुत पसंद हैं। और आप चरखे से सूत भी काता करते थे। पर मेरे पास तो खादी के कपड़े नहीं है ना। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मुझे खादी क्यों पसंद है? नहीं पता बापू। मैं बताता हूँ। क्योंकि खादी हमारे देश में बनी है। यानी मेड इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही, भारत में निर्मित, यानी मेड इन इंडिया। चाहे खादी हो या कुछ और, मुझे अपने देश में निर्मित चीज ही पसंद है, क्योंकि इससे हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। सभी को रोजगार के साधन मिलते हैं बेटा, और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बेटा कबीर। हमें आजादी बहुत सारे बलिदान देने के बाद मिली, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बोलो बेटा कबीर, करोगे ना अपनी आजादी का सम्मान? बिल्कुल करूंगा बापू। मैं समझ गया कि जिसके मन में सद्विचार हैं, देश के लिए प्यार, देशभक्ति है, उसके अंदर हमेशा बापू जिंदा रहेंगे। बापू, बापू कहाँ गए? क्या मैं सपना देख रहा था? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम।
रे तू सीता राम। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन। यहाँ शो करने के लिए मेरा नाम सबकी बात है, मैं भी एक कला मंडी की तरफ से शो करता हूँ। थैंक यू फॉर द लवली परफॉर्मेंस। आफ्टर सीइंग दिस परफॉर्मेंस आई जस्ट रिमेम्बर्ड वन थिंग, द सेइंग ऑफ गांधी जी और बापू, दैट एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बट आई थिंक कि आज के ज़माने में हम लोग इसको भूल चुके हैं। ओके एंड पति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये बापू की राम धुन थी। बापू इसे अक्सर गाया करते थे। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था।